झुंझुनू के गुढ़ा गोरजी से बड़ी खबर मिल रही है। एक विवाहिता ने गुढ़ा थाने में अपने अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म के साथ साथ जबरदस्ती शादी करने का मामला दर्ज करवाया है। सीआई देवी सिंह ने बताया कि मझाऊ एक विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है कि वह 28 अगस्त को नवलगढ़ में परीक्षा देने गई थी, जहां पर उसे उसका रिश्ते में जीजा मुकेश कुमार उदयपुर वाटी मिल गया, जो उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ एक निर्मल नाम का व्यक्ति भी था, जो बुल्ली गांव का रहने वाला था। वहीं एक और युवक भी था जिसे वो जानती नहीं थी। तीनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। बंद कमरे में 2-3 दिनों तक उसके जीजा मुकेश और निर्मल ने दुष्कर्म किए। इसके बाद उसे जूस में बेहोशी की दवा दे दी, जिससे वह 2-3 दिन बेहोशी की हालत में रही। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और वह बेहोशी की हालत में थी। इसका फायदा उठाकर निर्मल के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। पीछे से उसके ससुर ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई तो पुलिस ने विवाहिता को निर्मल के घर से दस्तियाब किया। विवाहिता के मामला दर्ज करवाने के बाद इसकी जांच डीएसपी नवलगढ़ सतपाल सिंह को दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक तौर पर विवाहिता और निर्मल की शादियों के वीडियो और फोटो आदि भी जब्त किए हैं। एक विवाहिता द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें उसके रिश्ते में जीजा और एक बूढ़ी का रहने वाला व्यक्ति, इनके खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान श्री वंशी वृत्त नवलगढ़ के द्वारा किया जा रहा है, और अनुसंधान से उसके द्वारा की गई शादी के फुटेज वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, जो अनुसंधान की जा 33 के सहयोग में पत्रावली पर लिए जा रहे हैं और अनुसंधान जारी है।